बड़ी खबर आ रही है, वो खबर हम बता दें। बजट पर बोले हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर, किसानों के लिए हितकर है ये बजट। मनोहर लाल खट्टर का ये कहना है किसानों के लिए हितकर है ये बजट और मंडियां पहले से मजबूत होगी। तो देखिए, अब सबने जो है लगभग एक ही सुर अलापा है कि देखिए ये बजट जो आया है वो किसानों के लिए हितकर है। और खास वक्त ऐसा भी है कि जिस वक्त आपको पता है कि किसान धरने पर बैठे, क्या कुछ और कहा एक बार वो आपको दिखाते हैं। खास करके जो आज इस समय किसानों के जो नेताओं ने इस प्रकार का जो एक संशय फैलाया है कि मंडियां जो हैं वो समाप्त होंगी, खास करके मैं हरियाणा और पंजाब की बात तो कह सकता हूं कि हमने अपने प्रदेशों में पहले से ही मंडियों को मजबूत रखा हुआ है और ये सेस का अगर लाभ हमको मिलता है तो इससे और ज्यादा मजबूती आएगी। तो देखिए, ये जो बजट है वो हर तरह से हितकारी है और किसानों की जो आशंकाएं थी उसको दूर करने वाला बजट बताया कृषि मंत्री ने। अच्छा कपिल जी और पंकज जी आइए, इधर आइए, आप लोगों से मैं रिएक्शन लूंगी क्योंकि आप लोग भी किसान परिवार से जुड़े होंगे। सबसे पहले पंकज जी आप बताइए, आशंकाएं दूर करने वाला बजट, लेकिन साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये जो मंडियों को लेकर के भ्रम पैदा हुए थे उसका भी स्पष्टीकरण दे दिया और आपको लागत मूल्य चाहिए 1.5 गुना ज्यादा, वो भी ये इस बजट में क्लियर कर दिया गया है। संतुष्ट है ना किसान, अब सरकार तो सब सुन रही है। अब तो किसान ही बताएंगे इस बारे में एक्चुअली कि वो उनको कितनी संतुष्टि हुई है। आप बताइए क्योंकि आप भी जुड़े हुए रहे हैं इस परिवार से, आप जुड़े हुए रहे, तो आप बताइए आप इस नजरिए से इस बजट को कैसे देखते हैं। जैसे कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये जितनी शंकाएं थी उसको दूर करने वाला बजट है, सर एक लाइन में अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे जी? जो हमारे कृषि मंत्री जी जो कह रहे हैं कि ये किसानों को की शंकाओं को दूर करने वाला बजट है, तो मैं कहूँगा कि किसान ये समझ ले कि हाँ, उनका जो ये कह रहे हैं कि जो मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी या मंडियों से बीच में उनका, तो वो उस चीज़ को ये कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश करी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कितनी समझ में आ रही है क्योंकि आम इंसान आम भाषा समझ पाता है, सरल भाषा, वो सरल भाषा सरकार समझाती रही, लेकिन ये बजट जो सामने लाया गया ये पेश कर दिया गया, इससे भी स्पष्ट एक एक लाइन, MSP को लेकर के क्लैरिफिकेशन दे दिया गया, ऋण को लेकर के क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है, इसके अलावा आगे क्या क्या इसमें प्रावधान रहेंगे ये सारी बातें बताई गई हैं। लगता है अब किसानों की आय दोगुनी MSP को लेकर के जो अभी तक ठनी हुई थी किसानों और सरकार के बीच में, उसको यहाँ पे खत्म किया गया, क्लियर किया गया, जो पहले थी वो आगे भी रहेगी, जिसको लेकर के भ्रम था वो नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कोशिश तो ये पूरी करी है कि उस भ्रम को तोड़ सके, लेकिन क्या है कि किसान अभी इतने ज्यादा नाराज है कि उसको समझने में उस चीजों को आने में टाइम बिल्कुल दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, जैसे MSP के ऊपर 1.5 गुना कर दिया है। देखिए, जुमलेबाजी नहीं है, अगर सरकार भी बजट में लाया गया है, बजट में लाया गया है तो डेफिनेटली ये कोई जुमलेबाजी नहीं है। सरकार का शुरू से ये जस्टिफिकेशन रहा है कि भाई, जो अगर आप देखो जिसके वजह से ये किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, अगर किसान जिस चीज को सरकार समझना चाह रही है, मुझे लग रहा है एक्चुअली में लोग उस चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप भी यही मानते हैं कपिल जी? क्योंकि शुरू से ही वो नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आज के बजट में जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है किसानों को लेकर के, फार्मिंग को लेकर के, उससे कितने संतुष्ट होंगे किसान, क्योंकि अब तो बजट में वो सारी चीजों का जिक्र किया गया है। देखा आपने कि कृषि पे केंद्रित यह बजट कितना रहा इस बार का? देखिए, बिल्कुल संतुष्ट होंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन संतुष्टि जरूर आ जाएगी, क्योंकि वो काम जब तक, जैसे कई बार हमने सुना भी अभी कि जब तक वो चीजें धरातल पे नहीं आएंगी किसानों को विश्वास आएगा नहीं, बट उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, लेकिन अभी अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको भी यही लगता है? नहीं, अभी जब तक एक्चुअली क्या है कि जो एक्चुअल किसान है। अच्छा, जिस तरीके से कृषि मंत्री ने भी क्लियर किया है, देखिए यहाँ निर्मला सीतारमण ने भी जिक्र किया था, इसके अलावा भी तमाम मंत्रियों के भी रिएक्शन आप जी हिंदुस्तान पे लगातार सुन रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है सर? हर चीज क्लैरिफिकेशन, हर चीज क्लैरिफाई करते चली गई है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मेन मुद्दे की बात है, कौन सी भाषा में समझाया जाए पंकज जी? लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जी, अगर MSP आपकी मंडी अगर है, अगर आप खेती कर रहे हो, लेकर के सवाल खड़े हुए जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो खत्म ही हो जाएंगी मंडियां, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही है कि उसको और मजबूती मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, आप देखिए एग्रीकल्चर ही नहीं, रेलवे में भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिससे कि बहुत ज्यादा आए गए, जैसे तेजस ट्रेन ये बढ़ा रहे हैं। हाँ। किसानों के स्पेसिफिक उसके लिए इन्होंने बोला है कि स्टोरेज की फैसिलिटी सभी ट्रेन के आसपास बनाई जाएगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मूव कर सके। बिल्कुल, आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के जा सके, आप देखिए आजादी मिल गई, पहले आप सीमित थे, पहले आपके पास संसाधन भी नहीं था और जो आपका प्रोडक्ट था वो बेचने के लिए भी आप बाध्य रहते थे, अब तो आप आजाद है, आपको खुला मंच दे दिया गया, पूरा भारत दे दिया गया। लेकिन सुनिए, अभी तक जहां
भी खामियां लोगों को नजर आ रही थी उसको भी क्लेरिफाई किया गया है, पूरी तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि आखिरकार ये तीन कृषि कानून जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो क्यों हितकर है। एक बार आपको बता देते हैं बारीकियां इसका, इसकी जरा आप गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा कि क्या कुछ है इस बजट में किसानों के लिए खास और क्यों इस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि इससे मजबूती मिलेगी, देश के अन्नदाता को आय दोगुनी होगी और जिस मंडी को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा था वो खत्म नहीं होगी, वो और मजबूती से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए आप। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच पेश हुए बजट में किसानों पर पूरा फोकस रखा गया है। सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। देश भर में 1000 मंडियों को ई मंडियों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एपीएमसी को फंड दिया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। माइक्रो इरिगेशन फंड को 10,000 करोड़ रुपए करने की घोषणा हुई है। इसके साथ साथ किसानों को 16,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने का टारगेट रखा गया है। देश में 5 फिशिंग हब बनाने का भी ऐलान किया गया है। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। कृषिगत अवसंरचना में सुधार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि कृषिगत आउटपुट को कुशलतापूर्वक परिरक्षित और सुसंस्कृत करते हुए हम अधिक उत्पादन कर सके। इससे हमारे किसानों को पारिश्रमिक में वृद्धि सुनिश्चित होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने एमएसपी 1.5 गुना कर दिया है। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल धान से किसानों को 1,72,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 43,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। और सीधा सीधा रुख करते हैं यहाँ क्या कुछ अनुराग ठाकुर कह रहे हैं वित्त राज्य मंत्री, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। एफडीआई लगातार बढ़ा है, महामारी के समय भी 8 महीनों में रिकॉर्ड एफडीआई आया है। इससे पता चलता है भारत में लोग निवेश करना चाहते हैं। बैंकों को मजबूत करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए हम बैंकों के लिए दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उनका अगर कैपिटल इन्फ्यूजन करना होगा तो वो भी देंगे। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देना होगा DFI तो हम वो भी बनाने जा रहे हैं। उससे लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए की लेंडिंग या आप पैसा दे सकते हो। तो किसको लाभ मिलेगा? जो लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको लंबे समय तक पैसा उसके लिए मिलेगा। ये सारी चीजें मदद करेंगी भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। सर आपने किसानों की बात की लेकिन किसान तो आंदोलन पे हैं, वो कह रहे हैं कि आज के बजट से उन्हें कुछ मिला नहीं, उन्हें कुछ उम्मीद थी उनके लिए कुछ मिलेगा। आपने कहा वो एक कॉल की दूरी पे भी हैं लेकिन वो नंबर उन्होंने बताया। देखिए किसानों के साथ 11 राउंड वार्ता हुई, जो फॉर्मल बैठकें थी, इसके अलावा बाकी बैठकें भी हुई हैं। लगातार हमारी सरकार के कृषि मंत्री उनसे मिलते रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार के वरिष्ठ मंत्री किसान नेताओं से मिलते रहे। मोदी सरकार तो पहले दिन से ही किसान हितेशी है, इसीलिए हमने अगर आप देखेंगे तो गेहूं की खरीद 73% ज़्यादा बढ़ी, धान की खरीद 114% ज़्यादा बढ़ी। और उनको जो कांग्रेस के समय 3,75,000 करोड़ रुपये का MSP खरीद हुई, हमने 8,00,000 करोड़ रुपये की खरीद की। 43% हमने गेहूं धान की मूल्य बढ़ाया, 65% से 70% हमने दलहन तिलहन के मूल्य बढ़ाए। और मैडम ने जो आंकड़े भी दिए वित्त मंत्री ने, वो भी स्पष्ट तौर पर दिखाते हैं कि जहां कांग्रेस के टाइम पे दलहन के लिए अगर 263 करोड़ रुपये मिला तो अब 8,000 करोड़ रुपये मिला है। तो कैसे 2013-14 में 263 करोड़ दिया, हमने 8,000 करोड़ दिया पिछले साल। ये अपने आप दिखाता है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए लगातार ज़्यादा ही किया है, आगे भी ज़्यादा करेंगे और किसानों की आय को दुगना भी करेंगे। और इसमें भी हम एग्रीकल्चर सेस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने जा रहे हैं, वो किस लिए? उससे किसी के ऊपर बोझ नहीं बढ़ेगा लेकिन किसानों के लिए एक ऐसी राशि खड़ी होगी जिससे उनके लिए आधारभूत ढांचा कृषि के क्षेत्र में बनाकर दिया जा सके। पेट्रोल डीजल में जो बढ़ा है उसकी बात आप कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल में भी कुछ नहीं? देखिए हमने कुछ आइटम्स हैं जिन पे कस्टम्स ड्यूटी को पे फर्क डाला है, कहीं पर एक्साइज की बात आती थी तो उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आते हैं, लेकिन 1 रुपया भी पेट्रोल और डीजल के दाम इससे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इससे किसी भी कंज्यूमर पर कोई 1 रुपये का दबाव भी नहीं पड़ेगा। ये जो किसी ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। कुल मिलाकर ड्यूटी स्ट्रक्चर उतना ही रहेगा, सेस को मिलाकर भी कम ही हो सकता है, बढ़ेगा नहीं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर एक सवाल है सर, लगातार अपोजिशन की तरफ से भी है और लगातार ये सवाल भी उठता रहा है कई जगह, इसको लेकर विरोध भी है कि एम्प्लॉयमेंट कम है। देखिए आज बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम चीजों को महंगा कर दिया, खासकर अगर शराब के शौकीनों की बात की जाए तो बड़ा झटका लगा है। ये रिपोर्ट देखिए।
वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट आम लोगों की जेब पर बोझ डालने वाला है। कृषि सेस के जरिए आम लोगों की जेब से मोटी रकम बाहर निकालने का ऐलान किया गया है। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है, जबकि डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाया जाएगा। डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ना भी तय है। इसके अलावा मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर महंगे होंगे। जूते और ऑटो पार्ट्स भी महंगे होंगे। बजट में काबुली चने पर 30% सेस लगाने का ऐलान किया गया है। सोने और चांदी पर भी 2.5% कृषि सेस लगाने की घोषणा की गई है। कपास पर 10% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, जबकि मटर पर 40% और सेब पर 35% एग्रीकल्चर सेस लगाया जाएगा। यूरिया और डीएपी खाद भी महंगी हो जाएगी। शराब पर 100% कृषि सेस लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने चना दाल और रत्नों को भी महंगा करने का ऐलान किया है। बिल्कुल, देखिए हर वर्ग को साधते हुए निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है, लेकिन कई वर्गों को मायूसी भी हाथ लगी है। बिल्कुल दीपिका, बिल्कुल ऋतिका, और साथ में इस बजट से जुड़ी जो 10 बड़ी बातें हैं वो अब आपको हम बताते हैं। 2021 में कई ऐलान हुए, तो सिलसिलेवार तरीके से जानिए बजट की 10 बड़ी बातें। ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 15% होने से गाड़ियां खरीदना महंगा हो सकता है। सरकारी प्रोजेक्ट पर खर्च में 34.5% बढ़ोतरी। 5.54 लाख करोड़ निवेश से बढ़ेंगे रोजगार। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाने का बजट में ऐलान। कृषि कर्ज का लक्ष्य 10% बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ किया गया। 1 करोड़ घरों के लिए उज्ज्वला स्कीम का ऐलान। 5 साल में 2.86 करोड़ घरों को नल से पानी देने की घोषणा। गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 40,000 करोड़ का ऐलान। 2023 तक रेल लाइनों का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 11,000 करोड़ का ऐलान। हथियार खरीदने के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपए का बजट। वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए अलग संस्थान बनाने का भी ऐलान किया है। तो देखिए महंगी क्या चीज हुई है बजट में उसको लेकर के तो हमने बता दिया, लेकिन अब मेरी सहयोगी ऋतिका बताएंगी कि सस्ता क्या कुछ। बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है और हर वर्ग को साधने की कोशिश तो की गई इस बजट के जरिए, लेकिन आपको बता दें कि जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों के साथ तो इस बजट को तैयार किया गया, लेकिन कुछ चीजों पर देखिए किस तरीके से सस्ते की मार यहाँ पर देखने को मिली। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में आम आदमी की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बजट में सस्ती की गई हैं। निर्मला सीतारमण ने चमड़े के उत्पाद जैसे बेल्ट और पर्स सस्ते करने का ऐलान किया है। नायलॉन के कपड़े और पैंट को सस्ते करने का ऐलान किया है, जबकि चमड़े के जूते सस्ते करने का ऐलान किया गया है। तांबे के सामान और पॉलिस्टर के कपड़े सस्ते होंगे और ड्राई क्लीनिंग और स्टील के बर्तन सस्ते करने का ऐलान हुआ है। और इसके अलावा इंश्योरेंस सस्ते करने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही बिजली भी सस्ती करने की घोषणा बजट में की गई है। सोना और चांदी भी सस्ता करने का ऐलान इस बजट में किया गया है। सोना एवं चांदी, वर्तमान में सोना और चांदी पर 12.5% सीमा शुल्क लगाया जाता है, जो कि जुलाई 2019 में शुल्क 10% से बढ़ा दिया गया था। इसलिए कीमती धातुओं के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है। इससे पिछले स्तरों के समीप लाने के लिए हम सोना और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बना रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने सोलर लालटेन और लोहे का सामान भी सस्ते करने की घोषणा की है। तो ये आम लोगों को देखिए इस तरीके की सहूलियत इस बजट के जरिए मिली है, लेकिन बालिका का हम रुख कर लेते हैं क्योंकि बजट से जुड़ी एक बड़ी खबर बालिका के पास भी है। बालिका, ओवर टू यू। बिल्कुल ऋतिका, देखिए जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी कि रक्षा बजट में भी कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, और वही हुआ है। रक्षा बजट में भी सरकार ने बढ़ोतरी का ऐलान किया है। डिफेंस बजट बढ़ने पर रक्षा मंत्री ने धन्यवाद भी दिया है। ये रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। बजट 2021 में डिफेंस पर भी पूरा फोकस किया गया है। इस साल डिफेंस बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है।
इस साल डिफेंस बजट में 7.4% का इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री ने रक्षा मंत्रालय को 4,78,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इनमें से करीब 1,16,000 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होंगे। वित्त वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए बजट से अतिरिक्त इमरजेंसी डिफेंस खर्चों पर व्यय किए गए। डिफेंस बजट में भारी बढ़ोतरी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री को धन्यवाद कहा। सरकार ने हाल ही में 114 लड़ाकू विमानों की खरीद को भी मंजूरी दी है, जिस पर 1,30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, अभी जो हमने ये रिपोर्ट दिखाई जी, जो हम चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं खेत खलियान की अक्षय और मल्लिका, तो जरा किसान भाइयों से जो हमने भी बात की वो कह रहे हैं कि बजट तो बहुत बढ़िया है लेकिन इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से हो जाए। हाँ, लेकिन एक चीज कर रहे थे इनसे कि देखिए मंडियों की वाली जो बात हो रही है। हाँ, मंडियों की बात करेंगे, लेकिन अभी रक्षा का चूंकि पैकेज चला है तो मैं चाहूंगा रक्षा बजट, क्योंकि देखिए देश का जवान है और देश का किसान है, जिसे हर कोई सलाम करता है, और किसान है तो जवान है और जवान है तो किसान है, ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करता है। तो मुझे एक चीज बताइए, आज रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से देश आगे बढ़ा है, आपको लग रहा है कि हाँ रक्षा बजट में आज जो ऐलान हुआ है वो उसे और मजबूत करेगा? देखो, रक्षा बजट के लिए तो मैं कहना चाहूंगा, रक्षा बजट में तो सरकार जितना ज्यादा वो करेगी इम्प्लीमेंट, किसान और जवान की सरकार के साथ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे अभी हमारी सुदृढ़ करने के लिए राफेल की खरीदी हो या फिर तमाम दूसरे इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं, जो हथियार खरीदे गए हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये सरकार उस क्षेत्र में विश्वास जीत पाई है लोगों का? बिल्कुल, ये सही बात है आपकी कि जो सरकार सुरक्षा से जुड़े हमारे जो भी सज्जो सामान खरीदती है वो देश हित में है, और ऐसा सरकार करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। आगे भी बड़ी बड़ी कितने होंगे जवान परिवार? जवान बहुत है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे पुलिस में। देखिए ये पुलिस में भी है, फौज में भी है, सीआरपीएफ में भी है, बहुत सारे हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, अभी 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 नहीं, एक चीज आपने आपने जो चीज छेड़ी है प्रत्युष, मैं आपको रोक रहा हूँ। राजनाथ सिंह ने जो तारीफ की है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, सिंगू बॉर्डर पर एक तस्वीर सबने देखी, एक निहंग तलवार उठाया हुआ है और सामने पुलिस का एक जवान है, वो जवान इसी गांव से है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? थोड़ा सा आ गया, दादरी के पास था वो गांव, चिठेड़ा गांव है और गुजर समाज से आता है, गौतम बुद्ध नगर का ही है वो, जो सरदार हो सिपाही जो लड़का है वो भाटी है, गुजर है, आसपास सारे लोग जवान और किसान उनसे ही भरा ये गांव है। दरअसल क्या बात है अक्षय भाई, मैं बता दूं आपको, किसान के घर से ही सीमा पे सुरक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए किसान का बेटा ही जाता है, और ये बड़े गर्व की बात है। जब रक्षा बजट की बात हो रही है तो पूरे देशवासियों को, 135 करोड़ देशवासियों को हर्ष का विषय होता है कि देश प्रधानमंत्री पे इस बात पे भरोसा है, वित्त मंत्री पे और उनकी सरकार पे भरोसा है? बिल्कुल पूर्ण भरोसा है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, हर नागरिक की इसकी कोई भी निंदा करना नहीं चाहेगा, जो निंदा करता है वो घोर देश का विरोधी है, लेकिन हर नागरिक के दिल में यह है कि देश की सुरक्षा के लिए जितने भी पुख्ता इंतजाम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कदम है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाने चाहिए, लेकिन इस बार आपको याद रखना होगा कि चुनावी राज्यों पर सरकार का बेहद फोकस रहा, चार बड़े राज्यों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से सरकार ने खजाना खोला है यह इस बजट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उन राज्यों पर फोकस रखा जहां जल्द चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का ऐलान हुआ, जिस पर 1,03,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केरल में 1,100 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का ऐलान हुआ, जिस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केरल में हाईवे परियोजना के तहत कन्याकुमारी मुंबई कॉरिडोर को भी बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे बनाने का ऐलान किया गया। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड को अपग्रेड करने की घोषणा की गई। असम में नेशनल हाईवे के विस्तार पर 34,000 करोड़ रुपए खर्च का ऐलान हुआ। 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु राज्य में 3,500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण करेंगे। पश्चिम बंगाल और असम के चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए अलग से बजट का ऐलान भी किया गया।
तो देखिए सरकार ने साथ ही इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खासा खर्चा किया है। और देखिए सस्ते घर, हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक रहने के लिए घर हो, और सस्ते घर पर खास तौर पर फोकस किया गया। पूरी खबर बताते हैं आपको। बजट 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश के लिए विदेशी पूंजी जुटाने की बात भी बजट में कही गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए बिल लाया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे, जिससे 3 साल में 5,00,000 करोड़ का लैंडिंग पोर्टफोलियो तैयार होगा। NHAI को विदेशी निवेश आकर्षित करने की छूट दी गई है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नए बनने वाले एयरपोर्ट में भी मोनेटाइजेशन को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर टैक्स छूट सीमा को बरकरार रखा है। अफोर्डेबल हाउसिंग पर टैक्स छूट सीमा 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। 1.5 लाख रुपए तक ब्याज पर टैक्स छूट दी जाएगी। 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु राज्य में 3500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण करेंगे और निर्माण कार्य आगामी वर्ष से प्रारंभ होगा। बजट में इंफ्रा डेट फंड को 0 कूपन बॉन्ड्स पर फंड जुटाने की छूट दी गई है। देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और साथ ही बात करते हैं कि किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में बढ़ावा देना चाहिए, और उद्योग की अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से छोटे और मझले उद्योगों पर सरकार ने फोकस रखा है। देश के 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले सेक्टर का बजट सरकार ने 2 गुना कर दिया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजट 2021 में लघु और मध्यम उद्योगों पर फोकस किया गया है। MSME सेक्टर का बजट 2 गुना कर दिया गया है। MSME सेक्टर में 15,700 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम लाई जाएगी। इसके साथ 3 साल में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। अब 2 करोड़ रुपए तक निवेश और 20 करोड़ टर्न ओवर वाली कंपनी को छोटी कंपनी कहा जाएगा और ब्याज में छूट मिलेगी। परिवहन मंत्रालय के लिए 1,08,000 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है। पब्लिक बस सुविधा पर 18,000 करोड़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 11,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई है। प्रदूषण कम करने के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी और पर्सनल व्हीकल 20 साल बाद जबकि कमर्शियल व्हीकल 15 साल बाद स्क्रैप किए जा सकेंगे। सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। अब देखिए ये तो MSME के लेकर सेक्टर और मझोले जो तमाम उद्योग हैं उनके लिए सरकार के कदम की बात हो गई, लेकिन नजर इस बात पर थी कि भाई जो किसानों की बेहतरी के लिए कदम उठाए जाने हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो सरकार ने एक नया सेस डीजल और पेट्रोल पर लागू किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जो बोझ है वो आपकी और मेरी जेब पर नहीं पड़ने वाला है। फिर किसकी जेब में ये बोझ पड़ेगा ये भी जान लीजिए, 1 मिनट के भीतर आपको बताते हैं पूरी डिटेल। वो जो भ्रम है वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, इस रिपोर्ट को जरूर देखें। साल 2021 और 22 के आम बजट में सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव रखा है। इससे महंगाई बढ़ने की आशंका है क्योंकि डीजल महंगा होने से ट्रकों का भाव बढ़ेगा। हालांकि सीतारमण ने कहा कि उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। सरकार ये दावा कर रही है कि इससे उपभोक्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेस तेल बचने वाली कंपनियां चुकाएंगी, लेकिन तेल कंपनियां सेस भरेंगी तो वो दूसरे तरीके से पैसे वसूल सकती हैं। ये भी मुमकिन है कि सरकार उसके बाद दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी में कटौती कर दे। पेट्रोल और डीजल के दाम पहले ही ऑल टाइम हाइक पर चल रहे हैं। मुंबई में पेट्रोल 92.80 प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि डीजल 83.30 रुपए प्रति लीटर पर चल रहा है। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 73.56 रुपए प्रति लीटर है। और चलिए अब 1 मिनट में एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट शुरू करते ही देश के प्रवासी मजदूरों को बड़ा ऐलान किया है। उनके लिए उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण भारत के विकास के लिए भी कई अहम घोषणाएं किस तरीके से की इस बजट में, देखिए सर। प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे अहम घोषणा ये रही कि
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के परिवारों को भी एक राष्ट्र एक राशन योजना पूरे देश में लागू करने जा रही है। ये योजना अभी 32 राज्यों में लागू है। सरकार ने घोषणा की है कि लेबर कोड को लागू करने की कोशिश जारी रहेगी, जिससे न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी। सभी कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम से कवर किया जाएगा। महिला मजदूरों के लिए अहम घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाएं हर कैटेगरी के काम कर सकेंगी और उन्हें नाइट शिफ्ट करने की भी इजाजत होगी। प्रवासी श्रमिक और मजदूर, हमने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार एक पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए सबकी जानकारी जुटाई जा सकेगी। इसमें बिल्डिंग वर्कर्स और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स समेत सभी वर्गों के मजदूर होंगे। और इस बजट में सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर भी अपना जो भी इरादा है वो साफ कर दिया है। जाहिर है भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बजट में तमाम बड़े ऐलान किए हैं, बड़ी घोषणाएं की हैं। एक एक मिनट के पैकेज में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 95% डिजिटल लेनदेन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से छूट मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है। इस डिजिटल लेन देन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए हमने एक प्रस्तावित योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिससे डिजिटल मोड में भुगतान करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान देश की जनगणना को लेकर किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि अब देश में डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए 3,750 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टास्क है। इसके आंकड़ों का इस्तेमाल राज्य और केंद्र सरकार अपनी पॉलिसी के निर्माण में करेंगी। जी देखिए, एक और बहुत अहम सेक्टर है, वो है एजुकेशन सेक्टर, और उस पर भी बजट 2021 में सरकार का फोकस रहा है। वित्त मंत्री ने क्या बड़े ऐलान किए हैं एजुकेशन सेक्टर को लेके, वो आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन सेक्टर पर खास ध्यान दिया है। देश में शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर बल दिया गया। देश में एनजीओ और राज्य सरकारों की मदद से 100 सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया। आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य मॉडल स्कूल सुविधाओं के सुधार पर बल दिया गया। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लाने का ऐलान भी किया गया। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। विद्यालयी शिक्षा, 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा, ताकि वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। वित्त मंत्री ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बिल लाने का ऐलान भी किया। इसके अलावा गुड गवर्नेंस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म की बात भी कही गई है। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण बातें अपने बजट को लेकर के कही, और बजट में कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी गिनाए। क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, ये तो आपने देख लिया। लेकिन वित्त मंत्री ने भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान का भी जिक्र किया है। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी की वजह से गगनयान की तैयारियों पर असर पड़ रहा था, जिसके चलते पिछले साल दिसंबर में इसका अनमैन्ड मिशन लॉन्च नहीं हो पाया। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने गगनयान और पीएसएलवी C-51 की तैयारियों के बारे में बताया। सीतारमण ने कहा, गगनयान योजना के तहत 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग रूस में चल रही है। सीतारमण ने साफ किया कि गगनयान का अनमैन्ड मिशन इसी साल दिसंबर में लॉन्च होगा। इसरो की योजना 2022 में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की है। 2022 में देश की आजादी को 75 साल पूरे हो जाएंगे। सीतारमण ने यह भी बताया कि पीएसएलवी C-51 लॉन्च पर काम हो रहा है। इसरो इसी महीने की 28 तारीख को पीएसएलवी C-51 की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। इस मिशन के तहत प्राइवेट सैटेलाइट को पोलर रॉकेट पीएसएलवी C-51 के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसमें भारतीय स्टार्टअप की बनाई हुई 3 सैटेलाइट भी शामिल है। तो जो लोग टैक्स पे करते हैं, खास तौर पर मिडिल क्लास, उसको बड़ी उम्मीदें रहती हैं इस बजट से। इस बार के बजट में जो मिडिल क्लास है
उसने जो उम्मीद की थी क्या वो पूरी हुई या नहीं हुई, क्या उसके लिए टैक्स लैब में कुछ बदलाव किया गया नहीं किया गया, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि प्रत्युष जी जैसे तमाम मोटी सैलरी वाले लोगों को एक राहत जरूर मिली है कि कोई नया टैक्स उसमें या सेस नहीं जोड़ा गया है कोरोना के नाम पर। बाकी पूरी रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे आम बजट से नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी। इस साल इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी इनकम टैक्स छूट की सीमा पहले ही की तरह 2.5 लाख रुपए तक ही रहेगी। 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। 5 से 7.5 लाख तक की आय पर पुराने स्लैब में 20% और नए स्लैब में 10% टैक्स देना होगा। 10 लाख तक की आय पर पुराने स्लैब में 20% और नए स्लैब में 15% टैक्स देना होगा। 12.5 लाख रुपए तक की आय पर पुराने स्लैब में 30% और नए स्लैब में 20% टैक्स देना होगा। 15 लाख तक की आय पर पुरानी स्लैब में 30% और नई स्लैब में 25% टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा की आय पर दोनों ही स्लैब में 30% टैक्स देना होगा। में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के साथ 6.48 करोड़ पहुंच गई। वर्ष 2014 में यह संख्या मात्र 3.31 करोड़ थी। 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनधारियों को ITR फाइल करने से छूट दी गई है। नए दशक का पहला बजट पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बजट रहा।